जो 75 पार की बात करते हैं, ये 15 पार भी नहीं कर पाएंगे। इनके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, अगर सबको टिकट दे दें तो इनमें ये मान करके चलो 90% लोगों की जमानत भी नहीं बचेगी। आज के जो हालात प्रदेश के हैं उससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, कोई नहीं रोकता। हरियाणा में बीजेपी के अब की बार 75 पार के दावे को कांग्रेस जेजेपी के बाद अब इनेलो ने भी चुनौती दी है। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा। अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने 5 साल तक लोगों को डरा कर रखा, अब वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहीं ये नहीं बताया 5 वर्ष में क्या किया, कहीं एक जगह भी बस से नीचे नहीं उतरा। बस से नीचे इसलिए नहीं उतर रहा था कि 4.5 साल तो लगातार हेलीकॉप्टर में रहा, और अब अगर लोगों के बीच में जाता तो फिर लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता। इसलिए बस से नीचे उतरने की बजाय, किसी की बात सुनने की बजाय, केवल हाथ हिला करके गया कि मैं तो आखिरी बार आया हूँ, मेरा पहला आखिरी आप लोगों से मिलना है। जो 75 पार की बात करते हैं, ये 15 पार भी नहीं कर पाएंगे। इनके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, अगर सबको टिकट दे दें तो इनमें ये मान करके चलो 90% लोगों की जमानत भी नहीं बचेगी। आज के जो हालात प्रदेश के हैं उससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान अभय चौटाला मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने SYL नहर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसके लिए वो केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे। SYL जो हमारी जीवन रेखा है, पानी के बिना हरियाणा सूख रहा है, उसके लिए हमने 2.5 साल आंदोलन किया। क्योंकि अब चुनाव है इसलिए हमें उस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम केंद्र की सरकार को मजबूर करके हमारे हक का पानी लेंगे, और अगर कोई ऊब चुक हुई तो फिर लोगों के साथ खड़े होकर के SYL नहर का पानी लेकर के आने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और सिरसा के साथ साथ पूरा हरियाणा उनका गढ़ है। वहीं चुनाव से ठीक पहले BSP और JJP के टूट चुके गठबंधन पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुझे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताने वाले अब इसका जवाब दें। उन दोनों से पूछो जाके, बयान तो दिए जाते हैं कि हम नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। अरे निभा जानता कौन है कौन नहीं जानता, इस बात का उनसे जाकर के पूछो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल अभी से जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। अब ये तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी कि किसको हरियाणा की सत्ता वो सौंपने जा रही है। R9 TV के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।